शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त। हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत और नैब से जवाब तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। दोनों रहनुमाओं ने 14 अगस्त को आज़ादी के दिन के तौर पर ना मनाने का ऐलान किया था। दरख्वास्त में दोनों रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा तंजीला इमरान की जानिब से दायर की गई। थाना शादरा के इलाके मिराज पार्क में घरेलू झगड़े पर बीवी के हाथों शौहर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकबूल का अपनी अहलिया के साथ झगड़ा हुआ। अहलिया ने शौहर के सर पर आहनी आला से वार किया, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सांदा के इलाके में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से 20 साल अलीजा नामी लड़की जख्मी। घरेलू तनाजे पर तायाजाद और चचाजाद में झगड़ा हुआ। मुलजिम जीशान ने फायरिंग कर दी। जख्मी लड़की को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान फरार। शहर में डाकू राज बरकरार। मांगा मंडी में कोस्टर में सवार 25 मुसाफिर लुट गए। 3 डाकू ठौकर नियाज बेग से कोस्टर में सवार हुए। डाकुओं ने मुसाफिरों को जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी से महरूम किया। पुलिस ने मुसाफिरों के बयानात कलमबंद करके मौका से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोज काबिल कत्ल और तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। तलबा का कहना है पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई ना कर रही है और ना ही सीसीटीवी फुटेज फराहम की जा रही है। तलबा ने VC पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की और टायर नजरे आतिश किए। यूनिवर्सिटी के गार्ड और पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद रही। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। कौमी एयरलाइन के कैबिन क्रू के औकात कार में तब्दीली। हाईकोर्ट में चैलेंज। PIA कैबिन क्रू एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DG सिविल एविएशन और दीगर को फरीक बनाया गया। महंगाई का नया बम फटने को तैयार। दाल चना, माश, मूंग, काले चने की कीमतों में इजाफे की तजवीज। DC लाहौर की जेर सदारत प्राइस कमेटी मेंबरान का इजलास। चीनी 60 रुपए, नान और खमीरी रोटी 12, सादा रोटी 6 रुपए करने की तजवीज पर गौर किया गया। सब्जी मंडियां हों या आम बाजार, हंडिया की बुनियादी अशियाए जरूरियात टमाटर, अदरक, लहसुन सस्ता है ना कोई और सब्जी। 300 रुपए फी किलो बिकने वाली सब्ज मिर्च नायाब। लाल टमाटर लाल नोट से भी महंगा, 120 रुपए फी किलो में फरोख। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा। कीमत 241 रुपए हो गई। महंगाई ने जीना महाल कर दिया। शहरियों की शिकवे। फूड अथॉरिटी पर डब्बा कंपनियों को कामयाब बनाने का इल्जाम। गवाला फूड अथॉरिटी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। फूड अथॉरिटी डब्बा कंपनियों को कामयाब बना रही है, मुजाहिरीन का इल्जाम। वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। फूड अथॉरिटी हुकाम ने गवालों को मुजाकरात के लिए आज 11 बजे तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोर्ट लखपत जेल आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 1 घंटा 10 मिनट तक मुलाकात। अयादत की और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज मेरे लिए तारीखी दिन है, नवाज शरीफ की अयादत के लिए आया। मियाँ साहब बीमार लग रहे थे, उनकी मर्जी से इलाज कराया जाए। नवाज शरीफ अपने असूलों पर कायम है, कोई डील नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चाहता कि इमरान को भी नवाज शरीफ जैसा वक्त देखना पड़े। मरियम नवाज खामोश नहीं, वालिद की तीमारदारी में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो की कोर्ट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बराना सोच काबिले कदर है। बिलावल भुट्टो की नेक ख्वाहिशात के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोर्ट लखपत जेल में नवाज शरीफ की अयादत करने पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ मुकम्मल पुराज़म और बाएतमाद थे। मियाँ साहब आप 3 बार के वजीर आजम हैं, ये ज्यादा देर आपको बंद नहीं रख सकते। उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ का मुकालमा, ये भी कह दें कि मुलाकात जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ का हंस कर जवाब, बिलावल की साबिक वजीर आजम को NICVD ने इलाज की पेशकश, ये इजाजत दें इलाज तो मैं खुद भी करवा सकता हूँ, हुकुमरान मेरा इलाज कराएं, तमाशा तो ना बनाएं। नवाज शरीफ बोले, बिलावल साहब हमने जो गलतियां की सो की, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिलावल और नवाज शरीफ की अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर। पंजाब असेंबली का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास, ब्यूरोक्रेसी की आदम हाजिरी पर स्पीकर बरहम, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मीटिंग में है, मैं खुद जवाब के लिए हाजिर हूँ डॉक्टर मुरादराज, बात मेरी और आपकी नहीं हाउस की है। स्पीकर परवेज इलाही ने वजीर स्कूल एजुकेशन को सवालात के जवाब देने से रोक दिया। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलर होने की पाबंदी खत्म, नॉन फाइलर शहरी अब 800 सीसी से 5000 सीसी तक गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी, वजीर आला की जेर सदारत, महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास भी हुआ। असलहा साथ रखने से मुतालिक अलग परमिट का मामला, महकमा दाखिला पंजाब ने बड़ा फैसला कर दिया, कैरी परमिट का अलग से इजाजतनामा लेना जरूरी नहीं, कंप्यूटराइज असलहा लाइसेंस ही कैरी परमिट के तौर पर इस्तेमाल होगा, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी बरकरार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PC होटल में एस्पायर ग्रामर स्कूल की इफ्तताही तकरीब, बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर और CEO नाजिश उमर शाह की खसूसी शिरकत, परवीन सरवर कहती हैं तालीम सबके लिए अहम है, बच्चों को तालीम दिलवाना हर माँ बाप का ख्वाब है। बागों के शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा, नमी का तनासब 52% रिकॉर्ड, मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। भारत खेल को सियासत का शिकार न करे, भारत का तर्ज अमल खेल के लिए मुनासिब नहीं, ICC एक्शन ले, PCB के चेयरमैन एहसान मानी ने भारतीय टीम के फौजी टोपियां पहनने पर तहफ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया, भारत ने इजाजत किसी और चीज के लिए ली, अमल कुछ और किया, खत्म मौकफ़।